सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। इंटरनेट वाला लव में आज हो रहा है एंगेजमेंट फंक्शन। जी हाँ, आज है आद्या और जय की सगाई, जहाँ सभी घर वाले काफी खुश है। सभी जय और आद्या को बधाई देते हुए जश्न मना रहे हैं। रूपा दादाजी, हर कोई जय की खुशी में खुश है। तभी आ जाते हैं करण और सभी को डांस करने को कहते हैं। पूरे परिवार संग जय और आद्या भी अपनी सगाई में नाच रहे हैं। मगर पीके है परेशान आने वाली मुसीबत से, क्योंकि करण के धमाके का अंदाजा सिर्फ पीके को है। बस इसी परेशानी में पीके कहीं चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद लौट आते हैं। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जय और आद्या की एंगेजमेंट हो रही है और मेरा एक्साइटमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने बहुत कमाल का सरप्राइज प्लान किया है इस एंगेजमेंट के लिए, जो अनफोल्ड होगा इन अ वाइल। जब आप एपिसोड देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। स्पेशली मैं इस एंगेजमेंट के मौके पर एक बहुत ही कमाल का खास खास मैजिक शो भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत सारा जादू करने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस मेरी है, जय और आद्या की है। एवरीवन्स डांसिंग, एवरीवन्स एंजॉयिंग, तो एक बड़ा हैप्पी, खुशी भरा और एंटरटेनमेंट से भरा माहौल होने वाला इंटरनेट वाला लव में, जिसे आप देखेंगे। लेकिन उसके साथ आपको मिलेगा बहुत ही कमाल का सरप्राइज, जो स्पेशली करण ने प्लान किया है। सो लुक फॉरवर्ड टू इट गाइस। सुनो, करण ने पीके को कह सकते कि अपने बस में कर ले। पीके काफी नर्वस लगे इस डांस सीक्वेंस में। अभी ठीक है ना, आई मीन सी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको करनी नहीं पड़ती हैं, वो बस हो जाती है। इट्स जस्ट बिकॉज जब शेर चलता है तो वो नहीं कहता आसपास वाले जानवरों को कि मुझसे डर जाओ या मेरे सामने दुबक जाओ या सहम जाओ। सो इट्स जस्ट द काइंड ऑफ यू नो इट्स इट हैज टू हैपन। दैट्स इट। तो किस टाइप का मैजिक होने वाला है, क्या ट्रैक आने वाला है, आद्या और जय की लाइफ पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? वेल, अभी जो है मैजिक जो होने वाला है, जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बहुत ही कमाल का सरप्राइज है। आप शो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उसके लिए आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा 6:30 बजे कलर्स पे इंटरनेट वाला लव। जय और आद्या की लाइफ में क्या होने वाला है, प्रोमो में आ चुका है, आई थिंक ये टेलीकास्ट में भी आ चुका है कि करण जो है बड़ा अपने एकदम ऐसे कसम खा के बोलता है कि जय और आद्या की जिंदगी को मैं बर्बाद कर दूंगा और करण जय तुझे मैं मारूंगा, वो आई थिंक टेलीकास्ट में भी आ गया। सो करण हैज हिज ओन बिलीव्स, करण हैज हिज ओन माइंडसेट, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, करण जब कुछ करता है तो वो करके ही दम लेता है। सो वैसा होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो आई लाइक टू टेल यू अबाउट माय शूज। आई लव देम, आई लव माय शूज, आई जस्ट लव माय शूज। दे आर फ्रॉम मोजो and they're specially made for me. Mera flat foot hai, so they've designed this shoe for me. Aur baat kare is outfit ki, so this is again a very very nice outfit I've got. I've got ye mujhe brooch diye gaye hain yahan pe, very nice fine buttons and bahut hi khoobsurat lag raha hai mujhe. Main hamesha se ye manta hu ki one should be comfortable in his or her own skin. Uske baad aap jo bhi pehne, aap par bahut khelta hai. So guys, be confident. Jo bhi pehne, confidence se pehne, खुश रहे अपने आप में, वो डेफिनेटली खिले। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, कमेंट्स में जरूर बताएं।